स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट सेक्शन का सेकंड पार्ट किया था। इस वीडियो में हम सेकंड सेक्शन एम्पायर्स का फर्स्ट पार्ट यानी थीम 3 एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स को डिस्क्राइब करेंगे। इस चैप्टर में हमने रोमन एम्पायर के ऊपर फोकस करना है। रोमन एम्पायर जो कि एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, इसमें यूरोप और फर्टाइल क्रिसेंट यानी कि उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र जो कि नॉर्थ अफ्रीका और वेस्टर्न एशिया के कुछ पार्ट को मिलाकर बना हुआ था। इस अध्याय में हम इस साम्राज्य की ऑर्गेनाइजेशन, उसके गठन, उसको गठित करने में किन राजनीतिक ताकतों ने रोल प्ले किया और कौन से सोशल ग्रुप्स, किस तरह के लोग उसमें इन्वॉल्व थे, उन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस साम्राज्य में बहुत तरह की लोकल संस्कृतियाँ और भाषाएँ फल फूल रही थी। यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ थी, यानी कि जो उनकी लीगल पोजीशन थी वो स्ट्रॉन्गर थी, जैसा कि आज के समय में भी कुछ देशों में दिखाई नहीं पड़ती। उससे भी अच्छी स्थिति वहाँ स्त्रियों की थी, लेकिन वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ की इकोनॉमी लगभग दास श्रम के ऊपर निर्भर करती थी और इस वजह से जनसंख्या का काफ़ी बड़ा भाग स्वतंत्रता से वंचित रह जाता था। अब इस रोम के इतिहास की जानकारी हमें विभिन्न स्रोतों से पता चलती है। उसके लिए उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज और तीसरे नंबर पर भौतिक अवशेष, फिजिक मटेरियल रिमेन्स। अब इसमें जो ये दस्तावेज थे, ये समकालीन लोगों द्वारा लिखे गए वृतांत थे। इनमें से कुछ एनाल्स भी थे, वृष वृतांत जिन्हें कहा जाता था, जो कि प्रतिवर्ष लिखे जाते थे। उसके अलावा इसमें कुछ और दूसरे डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज भी इंक्लूड होते थे। उसमें लेटर्स थे, स्पीचेस थी, यानी कि पत्र, व्याख्यान, कानून। अब दस्तावेजी स्रोतों में जो इंस्क्रिप्शंस थे वो पेपायरी इंस्क्रिप्शंस मेन थे। पेपायरी और इंस्क्रिप्शंस का, जैसे आपको पहले पता है, वो किसी हार्ड सरफेस पर लिखे जाते हैं, लेकिन पेपायरी जो है वो पेपायरस, जो एक ट्री होता था, वहाँ पर एक रीड लाइक प्लांट था, वो नील नदी जो कि इजिप्ट में यानी कि मिस्र में बहती है, उसके किनारे बहुत सारे इस तरह के पौधे या प्लांट उगे हुए थे, उनसे तैयार किया जाता था राइटिंग मटेरियल और उस पर लिखा जाता था। अब इस पर जो है पेपायरस पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए, लेटर्स तैयार किए गए। इसके अलावा अब इन पेपायरस की स्टडी करने वालों को पेपायरोलॉजिस्ट, पेपायरस शास्त्री भी कहा जाता है। थर्ड नंबर पर आपके जो मटेरियल रिमेन्स आ जाते हैं, उसमें आर्कियोलॉजिस्ट ने जो भी बिल्डिंग्स को फाइंड आउट किया, मोनूमेंट्स को, और इसके अलावा पोट्री, कॉइन्स और मॉस्क्स यानी कि जो मिट्टी के बर्तन हैं, सिक्के हैं, पच्चीकारी का सामान है, इस तरह के विभिन्न जो साधन हमें मिलते हैं, उनसे रोमन इतिहास की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। अब
ये रोमन जो साम्राज्य है इसके बारे में हमें देखना है कि ये इसमें टू पावरफुल एम्पायर्स जो कि पूरे यूरोप में उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के क्षेत्रों में फैले हुए थे, ये दो पावरफुल एम्पायर थे रोम और ईरान। इन रोमन्स और ईरानियंस में आपस में प्रतिद्वंद्विता थी, राइवल्स थे, या आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। और इतिहास में जैसे कि विभिन्न शासक आपस में लड़ते रहते हैं, इसी तरह ही लड़ते थे। इन लोगों का जो क्षेत्र था एक भूमि की संकरी पट्टी, नैरो स्ट्रिप, जिसके किनारे फ्रात नदी बहा करती थी, वो इनके साम्राज्य को एक दूसरे से अलग करती थी। इस लेसन में हम मेनली रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कहीं कहीं हम ईरान के बारे में भी, जो कि इसका कंपटीटर था, उसको देखेंगे। अब हम एक जो आपको नीचे मैप दिया गया है, जब उस पर फोकस करते हैं तो उसमें आपको मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर जो है दिखाई देगा। ये मेडिटेरियन सी रोमन एम्पायर का हर्ट भी था, उसका हृदय। मेडिटेरियन जो है रोमन एम्पायर का हृदय कहा जाता है। और इस मेडिटेरियन सी के दोनों तरफ जो क्षेत्र फैला हुआ है उसे हमने रोमन एम्पायर का नाम दिया है। ये नॉर्थ में भी मेडिटेरियन सी के, और साउथ में भी जो एरिया है ये रोमन एम्पायर का एरिया है। नॉर्थ में इसमें जो टू मेन रिवर्स राइन और डैन्यूब आपको दिखाई देंगी, राइन एंड डैन्यूब। इसके अलावा जो इसके साउथ में है वो आपको सहारा डेजर्ट दिखाई देगा। इन सब एरिया से इंक्लूड आपका रोमन एम्पायर एक बहुत ही ग्रेट एम्पायर था। रोमन एम्पायर के अलावा इसमें कहीं कहीं अफ़गानिस्तान तथा कुछ ईरान का जो एरिया है वो भी इनके कंट्रोल में था। और ये जो टू ग्रेट पावर्स थी, रोमन एम्पायर की और ईरान एम्पायर की, इन्होंने ऑलमोस्ट पार्ट को आपस में डिवाइड कर रखा था। और इस पार्ट को चाइनीज़ लोग ता चिन कहा करते थे। अब इसके बाद हम इसमें इस रोमन एम्पायर का आरंभिक काल उसको देखेंगे, द अर्ली रोमन एम्पायर। अर्ली रोमन एम्पायर टू पार्ट्स में डिवाइड था, जिसे हम पूर्ववर्ती और परवर्ती, अर्ली एंड लेट बोलेंगे। ये पार्ट हमारा थर्ड सेंचुरी, तीसरी शताब्दी का जब समय आता है तो उसे जो है टू हिस्टोरिकल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इसे हम कह सकते हैं कि थर्ड सेंचुरी के मेन तक जो ये आपका अर्ली एम्पायर था, उसके बाद उसको अर्ली एम्पायर कहेंगे, और उसके बाद वाले टाइम पीरियड को हम लेटर एम्पायर कहेंगे। थर्ड सेंचुरी में एक मीडियम रोल इसमें मिड रोल प्ले करती है। अब इस एम्पायर में मेन चीज़ एक रिपब्लिक वर्ड आता है। ये रिपब्लिक वर्ड जो है, जैसे आज भी आपको इसकी नॉलेज है, तो उसमें क्या है कि रोमन साम्राज्य में एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें एक्चुअल पावर सेनेट के हैंड में थी। अब सेनेट में क्या था, सेनेट रिच फैमिलीज का एक ग्रुप था जिन्हें नोबल्स भी, यानी अभिजात भी कहा जाता था, नोबिलिटी। अब
इसमें जो ये नोबिलिटीज़ की गवर्नमेंट होती थी उसी के बिहाफ पर सेनेट जो है पूरी गवर्नमेंट या पूरे कंट्री को रेगुलेट करते थे। तो अभिजात वर्ग की गवर्नमेंट सेनेट के संस्था के माध्यम से चलती थी। ये रिपब्लिक 509 BCE टू 27 EC तक चला, यानी कि 509 ईस्वी पूर्व से 27 ईस्वी पूर्व तक। इसमें एक सम्राट आता है जूलियस सीज़र। जूलियस सीज़र का जो गोद लिया गया बेटा था दत्तक पुत्र, और उसी का वो उत्तराधिकारी जूलियस सीज़र का ऑक्टेवियन। उस ऑक्टेवियन ने उसका तख्ता पलट यानी कि कोप कर दिया और पावर्स को अपने हैंड में ले लिया और खुद अपना नेम चेंज करके ऑगस्टस से उसका एम्पायर बन गया, उसका शासक रूलर बन गया। अब जो ये मेंबरशिप ऑफ सेनेट है ये फॉर लाइफ चलती थी, फॉर लाइफ होती थी। और इसमें मेन, लेकिन बाय बर्थ के कंपैरेटिवली मेन वेल्थ के ऊपर फोकस किया जाता था, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। तो इस तरह से रोमन एम्पायर इन कंपैरिजन ऑफ ईरान ज़्यादा पावरफुल भी था और उसमें डिफरेंशिएशन विविधता भी बहुत थी। अलग अलग समय पर उसमें विभिन्न शासकों का बोलबाला रहा। इस एम्पायर में लैंग्वेजेस भी विभिन्न तरह की बोली जाती थी, लेकिन मेनली इसमें लातिनी, लैटिन और यूनानी लैंग्वेज के ऊपर फोकस किया जाता था, ग्रीक एंड लातिनी लैटिन। अब इसके बाद इसमें जो मेन फोकस है, जो लोग साम्राज्य में रहते थे वही सभी जो सिंगल रूलर है उसकी प्रजा होते थे। वो चाहे कहीं भी रहते हों, चाहे कोई भी उनकी लैंग्वेजेस थी, क्योंकि जब एक एम्पायर में डिफरेंट लैंग्वेज वाले लोग रह रहे हैं, लेकिन सब अंडर में किसके आते थे? रूलर के, सम्राट के अंडर में आते थे, चाहे वो कोई लैंग्वेज बोलें। अब जो ये ऑगस्टस ने अपना एम्पायर एस्टेब्लिश किया, जो फर्स्ट एम्परर था, उसे उसके एम्पायर को क्या कहा जाता था? प्रिंसिपेट। प्रिंसिपेट मेन उसकी पावर किस में होती थी? रूलर में। और मेन जो ये रूलर था इसे फर्स्ट सिटीजन, प्रमुख नागरिक भी कहा जाता था। ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड था। निरंकुश शासक कहने को नहीं था, लेकिन एक्चुअल पावर उसी के हैंड में थी। कहने को सेनेट को के पास सारे राइट्स थे, लेकिन पूरा कंट्रोल रूलर के हैंड में होता था। तो इस तरह से टाइम टू टाइम जो रोमन वेल्दी फैमिलीज थी वही उनके रिप्रेजेंटेटिव होते थे। बाद में इटालियंस लैंडलॉर्ड्स भी इसमें इंक्लूड हो गए टाइम टू टाइम। और जो भी बुक्स हैं इससे रिलेटेड हमें मिल रही हैं, लेकिन वो आपकी ग्रीक यानी यूनानी और लैटिन लैंग्वेज में ही लिखी हुई ज़्यादा मिलती हैं। कुछ टाइम पीरियड के बाद जो हमारे बैड एम्परर्स माने जाते थे वो थे कि वो टुवार्ड्स द सेनेट बैड बिहेव शो करते थे और उनको जो है सस्पेक्टेड व्यूज से देखते थे, उनको शक की नज़र से देखते थे, और बाद में उनके साथ वॉयलेंट बिहेव भी करते थे, हिंसा भी करते रहते थे। इसी वजह से कई सेनेटर्स रिपब्लिक एज में अपने आप को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते थे, लेकिन ये रिपब्लिक एज नाम मात्र की रह गई थी और सेनेटर्स को ये एहसास हो गया था कि अब ये सब कुछ असंभव है। इस तरह सम्राट और
सेनेट के बाद एक मेन और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली चीज़ थी इसमें मिलिट्री, सेना, वो भी मेन रोल माना जाता था उसका। सेना जो थी वो भी रोम की जो सेना थी वो व्यावसायिक यानी कि कॉमर्शियल सेना थी। इसमें हर मिलिट्री पर्सन को लेबर यानी कि वेतन दिया जाता था और साथ में उन्हें मिनिमम 25 ईयर्स तक अपनी सर्विस पे करनी होती थी। फोर्थ सेंचुरी में इसमें बहुत सारे सैनिक थे, लगभग 6,000 सैनिक इसमें मिले हुए थे। अब समय के साथ साथ इस कॉमर 6 लाख सैनिक थे, इस कॉमर्शियल सेना ने समय समय पर बहुत सारे मूवमेंट्स किए क्योंकि उन्हें ज़्यादा पे की नीड होती थी और सेनेट सेना से घृणा करती थी क्योंकि कई बार जो ये वॉयलेंस है बहुत ज़्यादा हावी हो जाती थी। और इस तरह थर्ड सेंचुरी में बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशंस क्रिएट हो गई। इन ब्रीफ हम कह सकते हैं कि रोमन साम्राज्य में मेन 3 टाइप्स के प्लेयर रोल प्ले करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल नोबिलिटी क्लास, अभिजात वर्ग, सेना और एम्परर। एम्परर फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली नोबिलिटी एंड थर्डली मिलिट्री सेना। तो 3 मेन प्लेयर्स रोमन एम्पायर में रोल प्ले करते थे। कभी कभी रोमन एम्पायर में सिविल वार की कंडीशंस भी क्रिएट हो जाती थी जब एक एम्परर किसी अनदर एम्परर से ज़्यादा पावरफुल हो जाता था या वहाँ पर जो उसमें डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप के हेड पर्सन्स थे वो आपस में अपने राइवल्स करने स्टार्ट कर देते थे, लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती थी। एक और एग्जांपल इसमें आ जाता है टिबेरियस। इसने प्रिंसिपेट को एस्टेब्लिश किया। अब प्रिंसिपेट को एस्टेब्लिश करने वाले ऑगस्टस का अपना कोई सन नहीं था तो ऑगस्टस ने टिबेरियस को, जिस तरह से ऑगस्टस को गोद लिया गया था इसी तरह ऑगस्टस ने टिबेरियस को गोद ले लिया। और टिबेरियस को जो एम्पायर मिला वो काफ़ी एनलार्ज था तो इसीलिए उसने अपने एम्पायर को अधिक एनलार्ज करने की कोशिश नहीं की और उसने इन कंपैरिजन ऑफ ऑगस्टस अपने टाइम पीरियड को पीसफुल टाइम पीरियड के रूप में कन्वर्ट किया। इस तरह से रोमन एम्पायर में टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहे और रोमन एम्पायर में जो ये चेंजेस आ रहे थे उनमें उनके जो कॉइन्स थे उन्होंने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया क्योंकि काफ़ी प्रॉस्पेरस एम्पायर था ये। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ इस एम्पायर को 54 लाख डिनेरियस के इक्वली इसकी इनकम होती थी। अब डिनेरियस क्या था? ये रोमन एम्पायर का एक सिल्वर कॉइन था जिसमें 4.5 ग्राम प्योर जो है आपकी चांदी सिल्वर होती थी। इसके अलावा रोमन एम्पायर ने बहुत सारे सिटीज़ को एस्टेब्लिश किया और इन सिटीज़ के हेल्प से इसने अपने जो है पूरे एरियाज़ पर कंट्रोल किया। ये सिटीज़ मेडिटेरियन कोस्ट के आसपास एस्टेब्लिश थे। इसके अलावा रोमन एम्पायर में जो गवर्नमेंट थी वो आपके विलेज एरियाज़ पर टैक्स लगाने में सफल हो पाती थी और काफ़ी जो है वेल्थ अचीव कर पाती थी। रोमन एम्पायर में जो स्थानीय उच्च वर्ग है वो टैक्स को जो है लेकर के प्रशासनिक कार्यों में अपनी भागीदारी दिखाता था, टैक्स वसूल करके ये राजा को देते थे।
और इस तरह से सेकंड और थर्ड सेंचुरी में ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लोग थे, इन्होंने, जिसमें सैनिक अफसर इत्यादि इंक्लूड होते थे, एक मेन रोल प्ले करना स्टार्ट कर दिया। और ये लोग सेनेट के मेंबर्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा पावरफुल बनने शुरू हो गए। इसी में सम्राट समय समय पर बदलते रहे। एक और सम्राट गैलिनस, उसने सेनेटरों को सैनिक कमान से हटा दिया और सेना में जो लोग भर्ती थे उन्हीं लोगों को जो है अधिक ऊंचे पदों पर रखना स्टार्ट कर दिया। गैलिनस ने सेनेटरों को सेना में सेवा करने पर पाबंदी भी लगा दी ताकि वो साम्राज्य पर अच्छे ढंग से कंट्रोल रख पाए। इस तरह से दूसरी शताब्दी के दौरान और तीसरी शताब्दी के स्टार्टिंग में सेना और प्रशासन के ज़्यादातर लोग प्रांतों से लिए जाने लगे, क्योंकि इन लोगों को नागरिकता मिल चुकी थी। अब रोम के संदर्भ में शहरी क्षेत्र को हम जब देखेंगे तो शहरी केंद्र एक ऐसा निकाय था जिसके अपने दंड नायक मजिस्ट्रेट, उनकी अपनी सिटी काउंसिल होती थी और उनका एक अपना सुनिश्चित राज्य क्षेत्र होता था जिसके अंतर्गत बहुत सारे गांव आ जाते थे। और इस तरह से शहर के अधिकार क्षेत्र में कोई दूसरा शहर नहीं हो सकता था, यानी कि सिटीज़ अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बना रहे थे, उनके अंतर्गत बहुत सारे गांव हमेशा होते थे। और इसके अलावा हर शहर का दर्जा बड़ा और छोटा कर दिया जाता था। कैसे कि किसी शहर में गांव बढ़ा दिए गए तो वो बड़े शहर हो जाते थे और उनमें से गांव निकाल दिए गए तो वो छोटे शहर हो जाते थे। शहरों का अपनी एक अलग विशेषता थी। शहरों में खाने की कमी अकाल के दिनों में भी ना के बराबर होती थी। गांव की कंपैरेटिवली वहाँ पर बेहतर सुविधाएं, बेस्ट फैसिलिटीज़ अवेल होती थी, जैसा कि आप नीचे वाले पैसेज में भी देख सकते हैं। डॉक्टर गैलिन ने क्लियर किया है कि अकाल के समय शहरों में सभी सुविधाएं हैं, लेकिन गांव में ये सुविधाओं से लोगों को वंचित रहना पड़ता था। इसके अलावा शहरों की विशेषताओं में रोम में सार्वजनिक स्नान गृह शहरी जीवन की एक मेन विशेषता इसमें दिखाई गई है। यहाँ पर ईरानी शासकों ने स्नान गृह जब शुरू करने का प्रयत्न किया तो ईरान में जब उसे शुरू करने का प्रयत्न किया गया तो पुरोहित वर्ग के क्रोध का उन्हें सामना करना पड़ा, क्योंकि वो जल को एक पवित्र वस्तु मानते थे, लेकिन पब्लिक बाथ में जल का उन्हें इम्प्योरिफिकेशन, अपवित्रकरण दिखता था, जबकि रोम में सार्वजनिक स्नान गृहों को मेन रोल दिया गया, वहाँ पर उन्हें यूज़ किया गया। इसके अलावा रोम में शहरी लोगों को उच्च स्तर के मनोरंजन के साधन भी मिले हुए थे। हमें पता चलता है कि वो वर्ष में कम से कम 176 दिन 176 डेज कोई ना कोई मनोरंजक कार्यक्रम, यानी कि स्पेक्टुकुला प्रदर्शन अवश्य वहाँ पर होता रहता था। तो इस तरह से हमने रोमन साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ जाना। अब इसके बाद इसमें हम एक अनदर टॉपिक करेंगे, तीसरी शताब्दी का संकट, द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस। अब ये क्या है? हमारी जो पहली दो शताब्दियाँ थी वो कंपैरेटिवली शांतिपूर्वक थी, प्रॉस्पेरस थी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो भी उसमें हुआ, लेकिन थर्ड सेंचुरी में बहुत सारे क्राइसिस आए। वो मेन क्राइसिस क्या थे कि ईरान में एक बहुत ही तेज
वंश उभर करके सामने आया जिसे ससानी कहा गया। इसने विभिन्न क्षेत्रों में अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। ईरान के शासक शापुर प्रथम ने दावा किया है कि उसने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया। इसी समय में जर्मन मूल की बहुत सारी जनजातियाँ और बहुत सारे राज्य समुदाय भी उभर कर सामने आ रहे थे। उन्होंने राइन और डैन्यूब नदी की तरफ बढ़ना शुरू किया और इस तरह 233 से 280 तक के टाइम पीरियड में इन्होंने टाइम टू टाइम बहुत सारे अटैक किए और इसी वजह से इस काल के सम्राटों ने जो ये युद्ध करते रहे, जिन्हें रोमवासी विदेशी बर्बर भी कहते थे, बहुत सारे उत्पात मचाए और तीसरी शताब्दी में थोड़े थोड़े अंतर से अनेक सम्राट यानी 47 ईयर्स में 25 एम्परर्स रूल आउट हुए और इस तरह से इस समय को इस साम्राज्य की तनाव की स्थिति कहा जाता है, यानी कि तनाव के समय से इसे गुजरना पड़ा। तो इसे तीसरी शताब्दी का संकट कहा गया। रोमन साम्राज्य में अब हमें जेंडर लिटरेसी और कल्चर की जब पोजीशन देखते हैं तो जैसे कि हमने बताया कि महिलाओं की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ थी, लेकिन फिर भी उनकी कुछ स्थिति जो भी बुरी थी वो हम देख सकते हैं। रोमन साम्राज्य में परिवार न्यूक्लियर फैमिली के रूप में चलते थे, यानी कि पुत्र अपने पिता के परिवारों के साथ नहीं रहते थे। कई बार वयस्क भाई बहुत कम सांझे परिवार में रहते थे, लेकिन दासों को परिवार में इंक्लूड किया जाता था, क्योंकि हम पहले भी बताया कि रोमवासियों में जो है कार्य दासों के द्वारा किए जाते थे रोमन फैमिलीज़ में। इसके अलावा विवाह का रूप ऐसा था कि पत्नी अपने पति को संपत्ति ट्रांसफ़र नहीं किया करती थी, लेकिन पैतृक परिवार में वो अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी। महिला जो दहेज लेकर आती थी वो उसके पति के पास चला जाता था, लेकिन वो अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी। पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति की स्वतंत्र मालिक भी बन जाती थी। इस तरह से उसे व्यापक कानूनी अधिकार मिले हुए थे, लेकिन फिर भी पति पत्नी को संयुक्त रूप से एक वित्तीय हस्ती नहीं माना जाता था। पत्नी को पूर्ण वैदिक स्वतंत्रता प्राप्त होने के बावजूद कई जगह हम देखेंगे कि पति महिलाओं पर हावी भी रहते थे। इनकी विवाह की उम्र भी सुनिश्चित थी, महिलाएं तलाक भी ले सकती थी। विवाह भंग करने के लिए उन्हें सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना ही काफ़ी था। पुरुषों और महिलाओं की विवाह की उम्र में अंतर था। लड़कियों की शादी 16 से 18, 22 से 23 साल के बीच होती थी, जबकि पुरुषों की 28, 29 और 30, 32 के समय में होती थी। अब एक कैथोलिक बिशप अगस्टिन ने बताया महिलाओं की बुरी स्थिति के बारे में कि उनकी माता की पिता के द्वारा रोज पिटाई होती थी और जिस नगर में वो बड़े हुए वहाँ अधिकतर पत्नियों की पिटाई और उनके शरीर पर लगी खरोंचे दिखाई देती थी। पिता अपने बच्चों पर कानूनी नियंत्रण रखते थे। कई बार जो वो उनके अनवांटेड बच्चे होते थे उन्हें जिंदा भी मार देते थे या बुरी तरह से ठंड में मरने के लिए छोड़ देते थे। तो ये रोमन समाज की पारिवारिक स्थिति तथा महिलाओं की कुछ अच्छी और बुरी स्थिति हमें दिखाई देती है। साक्षरता लिटरेसी रेट वो लगभग काम चलाऊ हुई था। रोमन साम्राज्य में हमें अधिक साक्षरता के लक्षण नहीं दिखाई देते। इसके विपरीत इसमें जो मिस्र है, इजिप्ट, वहाँ पर हमें पेपायरस, जो हम पहले भी बता चुके हैं,
उसके डॉक्यूमेंट्स कई स्थानों पर मिले हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये कॉमर्शियल ट्राइब्स के द्वारा लिखे जाते थे, तो इसका मतलब कुछ कम लोग ही पढ़े लिखे थे। इसके अलावा रोमन साम्राज्य में जो साक्षरता है वो उच्च वर्ग यानी कि सैनिकों, फौजी अफसरों और संपदा प्रबंधकों के बीच ही दिखाई देती है। रोमन साम्राज्य में कल्चरल डाइवर्सिटीज जैसा कि हमने पहले बताया विभिन्न तरह की थी, तो यहाँ पर धार्मिक संप्रदाय विभिन्न थे, लोकल जो गॉड गॉडेसेस हैं वो भी विभिन्न प्रकार के थे और लैंग्वेजेस वो भी बहुत सारी बोली जाती थी, उनकी वेशभूषाएं वो भी अलग अलग तरह की थी, भोजन और उनकी जो बस्तियां हैं वो भी विभिन्न प्रकार की दिखाई देती हैं। रोमन साम्राज्य में समय समय कोई ख़ास लिपि का आविष्कार यहाँ पर नहीं हुआ क्योंकि विभिन्न भाषाएं बोली जाती थी। रोमन साम्राज्य का जो आर्मेनाई भाषा का लिखना है नियर अबाउट 5th century में स्टार्ट हुआ, 3rd century के मध्य तक बाइबल का कैप्टिक लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो चुका था। अब मेन टॉपिक इसमें आ जाता है इकोनॉमिक एक्सपेंशन, आर्थिक विस्तार। रोमन साम्राज्य में जो आर्थिक गतिविधियां थी उनमें माइंस, ईंट भट्ठे, जैतून के तेल की फैक्ट्रियां बहुत अधिक थी। इसके अलावा अंगूरी शराब और जैतून का तेल वो यहाँ की ट्रेड यूनिट्स में इंक्लूड होता है। रोमन साम्राज्य में जो ये शराब है, जैतून का तेल है, ये एक ऐसे मटकों और कंटेनरों में ढोकर ले जाया जाता था जिन्हें एम्फोरा कहते थे। इनके हमें टूटे हुए अवशेष भी मिले हैं विभिन्न स्थानों से। पुरातत्वविदों ने इन टुकड़ों को ठीक से जोड़कर इन कंटेनरों को जब देखा तो इन्हें पता लगा कि ये चिकनी मिट्टी से बनाए गए विभिन्न तरह के पात्र थे। स्पेन में जैतून का तेल निकालने का कार्य लगभग 140 से 160 ईस्वी के वर्षों में बहुत अधिक अपने उन्नति पर था। इन्हीं दिनों में स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल कंटेनर्स में ले जाया जाता था जिन्हें ड्रेसल 20 कहते थे। ये हेनरिक ड्रेसल के नाम पर रखा गया जिसने इस किस्म के कंटेनरों को नया रूप दिया था। ये इनके रिमेन्स हमें मेडिटेरियन सी भूमध्य क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों से मिलते हैं। इस तरह से स्पेन जैतून के तेल का उत्पादक अपने इतालवी प्रतिद्वंदियों से तेल का बाजार छीनने में सफल हुआ, यानी कि स्पेन में और इटली में दोनों में तेल का व्यवसाय होता था, लेकिन स्पेन इसमें अधिक आगे रहा। स्पेन के उत्पादकों ने कम कीमतों पर अच्छा तेल बेचा और इस तरह से स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादकों ने अपना एक महत्वपूर्ण स्थान इस व्यवसाय में प्राप्त कर लिया। इस तरह से अब साम्राज्य में जैतून का तेल एक मुख्य कार्य रहा और इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जैतून का तेल निर्यात किया और ये जैतून के तेल के निर्यातक बन गए। साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे क्षेत्र भी थे जहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी, तो इस तरह से इनका जो आर्थिक क्रियाओं में तेल शराब के अलावा कृषि कार्य भी होते थे। इस क्षेत्र में, इस प्रदेश के साम्राज्य के घने आबादी वाले कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब मिलती थी। ये शराब गेहूँ से तैयार की जाती थी
और अंगूरों, इसके अलावा ये गेहूं का निर्यात करते थे। इन क्षेत्रों में गैलीली प्रांत है जहां पर गहन खेती गेहूं की होती थी। इन लोगों ने एक एक इंच के टुकड़े पर खेती कर रखी थी। इसके अलावा अब इन क्षेत्रों में बड़े बड़े जमींदार भी सामने आए। कुछ क्षेत्र रोम के कम उन्नत अवस्था में थे, जिनमें देहाती क्षेत्रों में ऋतु प्रवास बड़े पैमाने पर होता था। ऋतु प्रवास से तात्पर्य है कि ये लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां पर कृषि कार्य नहीं हो पाते थे, वहां से नीचे के मैदानी इलाकों में अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए समय समय पर मौसम के अनुसार वर्ष में लेकर आते और जाते रहते थे। तो जहां पर कम उन्नत क्षेत्र थे, वहां ऋतु प्रवास अत्यधिक रूप से होता था। इसी में एक वर्ड आ जाता है आपका, मैपालिया और ओवेन। ये क्या करते थे, जो नोमाड्स थे या चरवाहे थे, अपने साथ ओवन आकार की झोपड़ियाँ, जिन्हें मैपालिया कहते थे, उठा करके घूमते रहते थे और इधर से उधर जाते रहते थे। लेकिन जैसे जैसे रोमन जागीरें बढ़ती चली गई, इन नोमाड्स की संख्या कम होती चली गई और इनका जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस है, उस पर जाना भी कंट्रोल किया जाने लगा। इसके अलावा पहाड़ की चोटियों पर कुछ गांव बसे हुए थे। इन गांवों को कैस्टेला कहा जाता था। तो रोमन साम्राज्य की जो दुनिया थी, उसमें सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन पिछड़ा हुआ नहीं था। मेडिटेरियन सी के आसपास पानी की शक्ति का भी इस्तेमाल किया जाता था। जल के शक्ति से मिलें चलाई जाती थी और इस तरह से टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप थी। यहाँ स्पेन की सोने और चांदी की खानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी और पहली और दूसरी शताब्दियों में बड़े भारी औद्योगिक पैमाने पर इन खानों से खनिज निकाले गए। इनका उत्पादकता का स्तर इतना ऊंचा था कि 19वीं शताब्दी तक भी ऐसा स्तर हमें देखने को नहीं मिलता। इस तरह से रोमन साम्राज्य में वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था भी काफ़ी उन्नत थी। ये लोग धन का यूज़ भी करते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत अधिक उन्नत थी। और इसके बाद हम अन्य जो है टॉपिक्स देखेंगे। रोमन साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था है, इस पर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी कार्य करेंगे।